ओके सो रेडियो इज ऑन एंड मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टफिंग कर रही हूँ। खाना एक्चुअली पहले से बन चुका था एंड तो मैंने सोचा थोड़ा सा दाल में तड़का वड़का जो भी लगाना होगा और थोड़ी सी कॉर्न में आज डाल रही हूँ राइस के साथ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये सारी तैयारियाँ जो मैं कर रही हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ और फिलहाल देखिए मेरी दाल कैसे बनी है। सो दाल भी लगभग ऑलमोस्ट मैंने फ्राई कर ली है। फैटी एसिड के कारण थोड़ा अच्छी डाइट पर चल रही थी पिछले कई महीनों से, अच्छी मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो आज मुझे फाइनली डॉक्टर ने अलाउ किया है कि मैं नॉर्मल खाना खा सकती हूँ, बट बहुत लिमिट में, मतलब सब ध्यान रखते हुए तेल मसाले का। सो इट्स रियली गुड, चीज़ों का ध्यान रखते हुए और पीछे मेरे खाने को देखते हुए फिलहाल आपको ले चलूँगी। हम लोग लखनऊ में नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लैट आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे और आप लोगों को मेरी लखनऊ वाली की लाइफ कैसी लग रही है, मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लग रही है और बहुत नई लग रही है, सब कुछ नया है मेरे लिए भी। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दाल सारा डल कहा रही है, दाल दूर करो। चावल दाल, आई कैन नॉट टेल यू गाइज, मैं पता नहीं शायद 1-1.5 महीने बाद मैं चावल दाल खा रही हूँ, मतलब नो प्रोटीन डाइट पर थी मैं, कितने बार मुझे नसीब हुआ, आई एम सो हैप्पी। इसका तो सपना देखती थी, मतलब कोई चावल दाल का सपना देखता होगा लेकिन मैं देखती थी। ये देखो अब हम हस्बैंड के साथ हैं साक्षात और ये आदमी सब कुछ खा सकता है। वैसे आपको तो पता ही है बॉलीवुड के अंदर की बात, हम मास के लिए जो डायरेक्टर हैं नल आर्मी के पास गए और मास का ऑफर दिया। दो साल पहले गए थे ना खुशबू के शादी के बाद, याद है? हाँ, देखो आज तक नहीं बना पाया। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि हम दोनों ने इतने अपार्टमेंट्स लखनऊ में छान मारे हैं ना, इतने अपार्टमेंट्स छान मारे हैं कि मतलब हम लोग सीरियसली ये समझ गए थे कि लगता है कि यहाँ पे फ्लैट या कोई भी हमारे लिए अपार्टमेंट फिक्स करना शायद हमारी किस्मत में है ही नहीं कि हम कुछ बाय कर सकें। बट गाइस फाइनली पता नहीं कहाँ से कैसे, इट्स ऑल कॉल्ड डेस्टिनी, हमें फाइनली वो जगह मिल गई, वो अपार्टमेंट मिल गया जहाँ पे हम अपने लिए फ्लैट फाइनली खरीद सकें। तो आपको भी वही नहीं चल रहे हैं, तब तक लखनऊ का व्यू इन्जॉय करें। हाँ, हाँ, ठीक है। जाएगा। उसमें अंदर क्या है? अच्छा, का स्पॉट है। आप मुझे बताओ कितने दिन में दे पाओगे, तो उनसे बात करूंगा फिर। तो जो समय ये स्पेस खाली रखेंगे, ये इतना हो जाएगा पूरा, ये जो कंस्ट्रक्शन का है पूरा। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द छत आल्सो। तुमने देखा पूरा प्लान, देखा मेरी बात सुनी, तुम्हें कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस बताओ कि तुमको अंदर से कैसा लगा, जबकि तुमने पहली बार देखा है उसको अंदर से और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मोस्टली फिनिशिंग का काम चल रहा है, ये सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, अपना सामान और अपनी चीजें, अपनी जिंदगी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। मुझे सीरियसली अच्छा लगा क्योंकि आजकल अपार्टमेंट्स के दाम ऐसे भी बहुत स्काई हैं और फिर भी हमारे बजट में हमको एक ऐसी चीज़ मिल गई जहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे इतना कुछ इशू नहीं लगा। प्लस यू आर अ वाइज मैन, यू ऑलवेज थिंक सेंसिबल। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो एरिया क्या होता है कि ये एरिया जहाँ पे हम लोग फाइनली रहने जा रहे हैं और जितनी हमें चीज़ें चाहिए थी, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब यहाँ पे जनरल स्टोर भी छोटा सा पास में है, फ्रूट का मार्केट भी थोड़ा छोटा सा है, सैलॉन भी है, मतलब एक बेसिक नीड्स जो आपको चाहिए होती है वो सारी की सारी हमें अपने उस अपार्टमेंट के आसपास मिल रही थी। और कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी है जिन पर मेरे पति का ज्ञान और पति का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, जो आपको बताएंगे। बिल्डिंग के दो साइड, कोई बिल्डिंग हाई राइज नहीं आ सकती, पार्क का फायदा ये है कि हाई राइज नहीं आ सकता है, तो आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा, आपको छत का इजी एक्सेस मिलता रहेगा, जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं 3 फ्लोर के, लाइक दैट आपको छत का एक्सेस मिलता रहेगा, छत ओपन है,
छत अलाउड है, किसी का कंट्रोल नहीं है, तो आपको इजीली धूप ले सकते हो जाड़े में। उसके बाद छत से पूरे लखनऊ का व्यू आपको मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा अनुभव रहेगा कि भाई छत पे खड़े होकर आप कोई आया आपके यहाँ तो उसको आप दिखा सकते हो कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ चीज़ है, या घर में बोर हो रहे हो तो आप दिखा सकते हो कि देखो कितना दुनिया बाहर है। सो और गोमती नदी बहती है तो आपको नदी का भी अनुभव आसपास रहेगा, ठंडी हवाएं आ सकती हैं, तो फ्यूचर आपके लिए अच्छा है, कंफर्टेबल रहेगा और नेचुरल एनवायरनमेंट रहेगा। आसपास पेड़ पत्ते भी हैं, शहीद पथ है कानपुर रोड से या लखनऊ से, पूरे लखनऊ में आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट तक जा सकते हैं इजीली। देखा आपने, सो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी हैं। मुझे लगता है इस शहर को मुझे नए सिरे से एक्सप्लेन करने का और एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिलेगा, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। अगर सब अच्छा रहा तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और अलग अलग तरीक़ों से इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि लखनऊ को एक्सप्लोर करने के क्या क्या तरीके हैं, कहाँ कहाँ मुझे जाना चाहिए ताकि एक्सप्लोर कर सकूँ, और अपने इंस्टाग्राम हैंडल को भी पूरा एक नया कैरिकेचर देने का सोच रही हूँ। अब ऑल इन वन स्टोरी ये कि ये शहर पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब चूँकि मुझे यहाँ रहना है तो अच्छा लगेगा। कि मुझे लग रहा था कि अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो एरिया सिटी से बहुत थोड़ा आउटर में है, तो मुझे सिर्फ बिल्डिंग्स वगैरह ही दिखती थी, तो मुझे लगता था यार दिस इज़ नॉट लखनऊ। मैं पहले भी एक दो बार लखनऊ आ चुकी हूँ, वहाँ मैं मेन मार्केट में आई थी, तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि यार लखनऊ तो मतलब दिस इज़ रियली नाइस। अब ये वो एरिया नहीं था जहाँ पे मैं जाना चाहती थी, सो चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब समझ में आ रही है कि ओके यू हैव टू गो इन द सिटी अगर आपको कुछ चाहिए या लेना है। सभी लोग मेन सिटी में नहीं रह सकते, सभी लोग मेन मार्केट में नहीं रह सकते, बहुत ओल्ड ओल्ड एरियाज हैं और आपको इतना जल्दी वहाँ पे प्लेस नहीं मिलता रहने के लिए। सो लेट्स सी, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, बात करने को बहुत कुछ है, एंड आई थिंक आप लोगों को मुझे बताने को भी बहुत कुछ है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। आज मैंने आप लोगों को वैसे अपने इस न्यू फ्लैट का सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन वीडियो ही दिखाया है, क्योंकि ज़्यादा झलक दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ बन ही रहा है, लेकिन ज़रूर जल्द पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ वापस आऊँगी पूरा बना हुआ फ्लैट लेकर, तब अच्छे से आप लोगों को अपना फ्लैट दिखाऊंगी। और फ्लैट की जर्नी भी तो साथ साथ करनी है हम, मुझे इनको और आपको मिलके।